हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्नियोजन। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर योर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस पेपर वन राइट सब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, सो मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। और रिलैक्स रहो, ज़्यादा टेंशन मत लो। ठीक है, अगर आप लोग का पढ़ के नहीं हुआ है तो इतना टेंशन मत लो। जो भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस थे वो किए हैं ना आप लोगों ने, बस ठीक है। और जाते जाते देख के जाना, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो तो डायग्राम्स, उसके करंट फ्लो डायरेक्शन या उसमें क्या मतलब डिवाइसेस यूज़ हुए हैं, फॉर एग्जांपल डायोड्स या जो भी है मतलब। ठीक है, सो ये सब चीज़ें। फिर बाद में कंप्यूटर साइंस के हो तो प्रोग्राम्स थोड़ा देख लेना अच्छे से। ठीक है, अभी जाते जाते सो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, सब अच्छा जाएगा। बिकॉज़ ये इतना ध्यान में रखो, मार्क स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो इसमें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को। ठीक है, जो भी आपने पढ़ा हुआ है साल भर या अभी जो भी 10 दिन में पढ़ा हुआ है आपने, और इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है, सो उतना किए हैं आप लोगों ने, प्रैक्टिस किया है तो ज़रूर आपका पेपर अच्छा जाएगा। ठीक है, और अभी तो टेंशन ज़्यादा लो ही मत, मेरा ये पढ़ के नहीं हुआ, मेरा वो पढ़ के नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है अभी भी तो क्या करो आप लोग, जो भी दो तीन क्वेश्चंस हैं, एक आध दो प्रोग्राम्स हैं कंप्यूटर साइंस के, अगर पकड़ूँ तो वो कर लेना अच्छे से। अभी फटक से एक रिवीजन मार लो, ठीक है, ऊपर ऊपर का 1 घंटे में। और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट है तो डायग्राम्स वगैरह देख लेना और फार्मूलेज वगैरह देख लेना। डेरिवेशन है तो सिर्फ डायग्राम और लास्ट के फार्मूले, इतना शॉर्टकट में करो ताकि कुछ तो लिख के आओ और वहाँ पर हाफ मार्क्स तो स्कोरिंग हो सके आप लोग का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही मैं आप लोग को बोलना चाह रहा हूँ, रिलैक्स रहिए, टेंशन मत लीजिए ज़्यादा। अभी लास्ट मोमेंट में टेंशन लेके कुछ नहीं होने वाला है। और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, था भी आपको पहले के लिए भी, अभी भी है। ठीक है, तो जितना मार्क्स स्कोर कर सके उतना अच्छा है। MCQs है, 4 MCQs है, वो तो हो ही जाएंगे आप लोग के। ठीक है, वो 4 मार्क जाने मत दो। बाद में जो भी 3 3 मार्क के, 4 4 मार्क के, 5 5 मार्क के कंप्यूटर साइंस के या जो भी जैसा भी है, तो रिलैक्स होके गिने चुने भी दो तो भी चलेगा। ठीक है, गिने चुने दिया तो भी चलेगा। ठीक है, बट जो भी दोगे परफेक्ट देना। 2 4 क्वेश्चंस भी हुए तो भी आप लोग पास के ऊपर ही जाने वाले हो। ठीक है, टेंशन नहीं, एकदम ये एकदम वर्स्ट केस बताया मैंने। ठीक है, पर डेफिनेटली अच्छा जाएगा, स्टे बैक, रिलैक्स, ऑल द बेस्ट। और पार्ट 2 अपन पेपर 2 और अच्छे से करेंगे, ये उम्मीद के साथ मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।